जिले के ओगना कस्बे में छेड़छाड़ से भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, आरोपियों की कर दी ग्रामीणों ने धुनाई। गांव में तनाव, एक आरोपी को पुलिस को सौंपा, बाकी फरार। आधे दिन बंद रहा ओगना कस्बा, पुलिस ने कहा सख्त कार्रवाई करेंगे। ओगना कस्बे में मंगलवार को गांव की कुछ बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, जिस पर भारी बवाल मच गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों की जमकर धुनाई कर दी। भारी हंगामे के बीच एक आरोपी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा तो बाकी फरार हो गए। युवक को पुलिस को सौंप दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की कार को भी तोड़फोड़ की। समुदाय विशेष के इन युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर पूरा गांव एकजुट हो गया। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई को लेकर गांव में मोर्चा निकाला और थाना अधिकारी को शिकायत देकर बदमाशों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा। पुलिस ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर जय श्री राम, भारत माता के नारे लगाए। पूरे गांव में घूमकर सभी ग्रामीणों को अपने साथ लिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में इस तरह के माहौल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समुदाय विशेष के ये युवक गांव की बहन बेटियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, जो गंभीर बात है। पुलिस को दिए पत्र में ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जो गांव के अमन चैन को खराब करने का प्रयास करेगा उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। बालिकाओं ने भी पुलिस में दी शिकायत। ग्रामीणों के साथ छेड़छाड़ का शिकार बनी बालिकाओं ने भी पुलिस में समुदाय विशेष के आरोपियों के युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मौके पर घटे सारे घटनाक्रम को उल्लेखित किया है। उन्होंने बताया कि युवक अक्सर गांव में इस तरह की हरकतें करते हैं। ग्रामीणों के साथ बालिकाओं ने भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अब तो हदें पार हो चुकी हैं, जिस पर कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस के अनुसार ओगना थाने में शांति का माहौल। यहां पुलिस ने दो आरोपियों को किया डिटेन। एहतियात के तौर पर एडिशनल एसपी रजत कुमार सहित चार थानों का जाब्ता है तैनात। जय सियाराम।